हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर करते हुए। तो आइए इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम हमारे प्रीवियस सीट में इसके टाइम टेबल सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने इसका टाइम टेबल एड किया था, देन उसे अपडेट कराया था। आज हम टाइम टेबल को डिलीट कराने के कोड पर वर्क करेंगे। तो चलो हम एक टाइम टेबल को एड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम भी बढ़ा देते हैं, तो हमें पता लगेगा कि एक से ज़्यादा पर हम किस तरह से एड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एग्ज़ाम एड कर लेते हैं, एक टेस्ट कैटेगरी एट। तो ये हमारी एग्ज़ाम एड हो चुकी है। देन अब हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल एड करेंगे। तो हम जाते हैं टाइम टेबल पर, और यहाँ पर हमारी जो एग्ज़ाम है वो आ रही है। एंड हम यहाँ से फाइल सिलेक्ट करेंगे, डॉक्स एड। ओके, हमने यहाँ पर इमेज फाइल लगा रखी है, तो इमेज फाइल दे देते हैं इसे एंड एट। देखिए टाइम टेबल सक्सेसफुली अपलोडेड एंड पेज लोड होने पर ये हमारा जो टाइम टेबल है यहाँ पर एड हो चुका है। तो ये इमेज आ रही है, हमने जो इमेज अपलोड करी है। तो अब हमें टाइम टेबल को डिलीट कराना है। तो अपने टाइम टेबल के डिलीट के लिए कोई कोड नहीं है, हमने अपडेट के लिए कोड किया हुआ है। तो अब हम इस टाइम टेबल को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम नाम का हमारा कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करते हैं हमारा कंट्रोलर। तो इसके लिए हम चलते हैं एचटी डॉक एंड ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल के अंदर है हमारा रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम, सॉरी रेस्टोरेंट बुकिंग नहीं है, कि हमारा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एंड एग्ज़ाम्स, ये हमारा कंट्रोलर है। देन एट टाइम टेबल पर हम जाएंगे। तो ये हमारा टाइम टेबल है एंड ये हमारा व्यू है, एट टाइम टेबल डॉट पी एच पी। तो हम जाएंगे यहाँ से व्यू फोल्डर में, देन एड टाइम टेबल, एड टाइम टेबल। तो ये रहा हमारा व्यू। दैन हमारा बटन जो है वो ये वाला डिलीट का। तो हम यहाँ पर एक यू आर एल बनाएंगे, जिस यू आर एल पर ये डिलीट होगा। तो इसे यहाँ से हम देते हैं पी एच पी एको बेस यू आर एल डॉट इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश एग्ज़ाम स्लैश डिलीट टाइम टेबल। देन इस पर हम आईडी पास कर देंगे इस पर्टिकुलर टाइम टेबल की। तो हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पेस्ट करेंगे। देन इसकी जगह हम कर देंगे आईडी, क्योंकि हमें इस पूरे टाइम टेबल की आईडी चाहिए ना कि एग्ज़ाम आईडी। तो इसलिए हमने आईडी किया। देन हम पेज को रीलोड करेंगे, और जैसे आप डिलीट पर क्लिक करते हैं तो हमें एक आईडी मिल रही है। तो अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एग्ज़ाम कंट्रोलर पर, जिसका यूज़ करके हम इसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन एंड यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर धीस डी बी डिलीट, एंड इसके ऊपर लिखेंगे डॉलर धीस डी बी वेयर। एंड वेयर होगा जो हमें यहाँ पर आईडी रिसीव होगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाएंगे। एंड यहाँ पर हम इसे करते हैं डिलीट। तो डिलीट करने के लिए हम हमारे डेटाबेस पर जाएंगे, देन हमारी टेबल का नाम चेक करेंगे। तो ये हमारी एग्ज़ाम टाइम टेबल एंड पेस्ट एंड सेव, और इसे हम रिडायरेक्ट कर देंगे, रिडायरेक्ट बेस यू आर एल डॉट इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश, एंड हम इस यू आर एल पर रिडायरेक्ट करेंगे इसे, यहाँ से आते हैं बैक एंड इस यू आर एल पर इसे रिडायरेक्ट करना होगा अगेन। तो हम यहाँ से पेस्ट करेंगे, देन सेव, देन अगेन हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो हमें कुछ एरर मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड दिस। तो हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसका नहीं हमें एरर मिली है। देन रिलोड करेंगे, और अब मैं इसे डिलीट करता हूँ अगर। तो ये देखिए हमारा टाइम टेबल डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा टाइम टेबल सेक्शन पूरा डन हो चुका है, जैसे हमने टाइम टेबल को ऐड करा चुके हैं, देन उसके अपलोड करा दिया है, और डिलीट एंड अपडेट भी हम कर चुके हैं। तो अब हमारा अगला सेक्शन है इसका रिजल्ट मैनेजमेंट। तो हम इसका रिजल्ट मैनेजमेंट के सिलसिले इसका यू आर एल क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसका अपने प्रॉपर यू आर एल ही नहीं है। तो यू आर एल बनाने से पहले मैं एक कंट्रोलर बना लूँगा नया रिजल्ट नाम से। तो हम एक नया कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, देन इसे सेव करेंगे हमारे कंट्रोलर्स फोल्डर में। देन इसका नाम होगा रिजल्ट डॉट
पीएचपी एंड यहाँ हम क्लास क्रिएट करेंगे रिजल्ट एक्सटेंड सीआई कंट्रोलर एंड यहाँ पर हम पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट एंड यहाँ लिखेंगे पेरेंट कंस्ट्रक्ट एंड यहाँ पर हम कॉल करते हैं पब्लिक फंक्शन, एक फंक्शन बनाते हैं इंडेक्स, ये हमारा मेन होगा फंक्शन जिसके अंदर हमारा डेटा लोड होगा, तो हम इसे करेंगे एको देन आर ई एस यू एल टी रिजल्ट कंट्रोलर देन सेमी कॉलन एंड हम इसके लिए यूआरएल बनाते हैं, तो यूआरएल बनाने के लिए हमें इसकी फाइल ओपन करना होगी, हमारी जो फाइल है वो रहेगी हमारे व्यू फोल्डर पर एंड इंक्लूड इंक्लूड में रहेगी हमारी हेडर डॉट पीएचपी फाइल, तो ये हमारी है। देन यहाँ पर आएंगे और हम देंगे यहाँ पर रिजल्ट देन सेव एंड रिफ्रेश एंड अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे रिजल्ट कंट्रोलर पर जा रहे हैं, तो अब हम इस रिजल्ट कंट्रोल करते हुए रिजल्ट को एड करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे।